हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो का एंड करा है और दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो बस यहाँ पर क्या कर रही थी मैं जो मेरी जैकेट्स थी उसको मैंने वॉश करके और धूप अच्छी तरह धूप दिखा के बस उसी को मैंने पैक करके रखना था तो वो रख दिया है और एक दूसरी जैकेट भी मैंने निकाली है तो ये मेरी ना लेदर वाली जैकेट है तो जैसे अभी आजकल ना मौसम ऐसा हो गया है कि ना गर्मी है ना सर्दी है मतलब कभी कभी ऐसा है अचानक ठंड भी लगती है तो उसी के लिए मैंने निकाली है क्योंकि लेदर की जो जैकेट्स होती है ना जो बहुत ज़्यादा ठंड के लिए तो नहीं होती है जैसे अभी आजकल शाम के टाइम पे रात के टाइम पे हल्की फुल्की सी ठंड है ना तो उसके लिए सही रहती है तो बस ये मैंने निकाली थी और चेक कर रही थी मैं कि सही है कि नहीं है कैसी लग रही है और मैंने बहुत टाइम से तो ये पहनी भी नहीं है इनफैक्ट जब यश हुआ था यश के होने से मैंने बहुत टाइम पहले ली थी तो तब मैंने ली थी तो तब एक दो बार पहनी होगी मुश्किल से ही और मेरे को ना इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और इसका ये जो पैटर्न है ना कि इसमें साइड जिप भी है और जैसे सामने से जिप होती है तो वो भी आप लगा सकते हैं ये जैसे ऐसा है साइड से भी लगा सकते हैं और ऐसे फ्रंट से भी आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं तो बस यही मैं देख रही थी कि कैसी लग रही है तो अच्छी लग रही थी मुझे और उसके बाद ना यहाँ पे अभी शाम का टाइम है हम गए थे यश को लेकर डॉक्टर के पास उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे पार्क में गांधी पार्क गए देहरादून का तो बस बच्चों को लेकर ना जब भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बच्चे रोते हैं तो फिर उनका थोड़ा सा जो है उनको खुश करने के लिए या ध्यान बटाने के लिए करना पड़ता है ये सब तो पार्क जो था पास ही में था तो हमने बोला चलो इसको पार्क ले आते हैं लेकिन आज जो है पार्क में वो खुश नहीं था बिल्कुल भी और ये पार्क ना बहुत अच्छा है गांधी पार्क जो देहरादून में जो रहते हैं उनको पता होगा और सिटी के बिल्कुल ना बीचो बीच है ये बिल्कुल मिडिल में है क्लॉक टावर के पास ही में है तो हमारे घर से तो वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम अक्सर आ जाते हैं हम बचपन से आते हैं यहाँ पे ना पार्क में और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक भी हो जाती है और थोड़ा सा अच्छा भी है यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी लगे थे थोड़े से नए ना तो बस यश को लेकर आए थे लेकिन यश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था आज उसके थोड़ा सा कान में दर्द भी था तो बस ऐसी ही थोड़ी देर वो घूमा उसके बाद बस रोने लग गया तो बस फिर हम आ गए थे जल्दी से घर लेकर उसको और यहाँ पर ना फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी और उसके बाद ये जो है मॉर्निंग का टाइम है अगले दिन नेक्स्ट डे का तो इस टाइम सुबह के छः पंद्रह हो रहे हो गए मैं सुबह के जो है वॉक करने के लिए जैसे रोज़ की तरह आती हूँ तो छत पे आई हूँ बस वॉक कर रही थी तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा जो है कुछ शूट कर लेती हूँ तो सुबह सुबह सूरज के दर्शन तो नहीं हुए थे अभी टाइम था सूरज को आने में तो यहाँ पर जो है चाँद के दर्शन हो गए थे तो मैंने बोला चलो सुबह जो है सूरज के दर्शन नहीं तो चाँद के दर्शन तो आप लोगों को करा ही देती हूँ तो बस यहाँ पे चांद जो है दिख रहा था और जैसे ही सूरज आएगा तो चांद जो है छुप जाएगा और उसके अलावा ना यहाँ पे मेरा एक फूल भी उग गया था और बहुत दिनों बाद कोई फूल उगाए तो बड़ा अच्छा लगा देख के क्योंकि अभी ना बहुत सर्दियाँ जैसे थी तो कोई भी फूल नहीं उग रहा था कोई भी वरना हमारे जो गुलाब होते हैं ना ये बारहों महीने होते हैं इसमें हमेशा फूल होता है लेकिन अब की बार सर्दियों में ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी कोई भी गुलाब भी नहीं हुआ मतलब फूल देखने के लिए तो बस ऐसा हो गया था तरस गए थे तो बस यहाँ पर मैं उसके बाद ऊपर वॉक वगैरह कर ली थी थोड़ा पानी वगैरह भी देख लिया था और टंकी में भी देख लिया था और पेड़ों में भी दे दिया था उसके बाद बस नहा के मैं आई हूँ अभी अभी आई हूँ बस और पूजा का, का काम कर रही हूँ यहाँ पे तो दिया बत्ती करूँगी और यश के उठने का टाइम हो रहा था तो बस मैंने उसका ना दूध बना के रख दिया है तो जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना तो चाहे उसको दूध मैंने पहले दे रेखा हो ना दे रेखा हो पर मैं उसका ना दूध बना के आ जाती हूँ जिससे कि पूजा के बीच में ना उठना पड़े क्योंकि पूजा के बीच से उठना सही नहीं रहता है तो बस यहाँ पे मैं दिया बत्ती करी हूं और दिया बत्ती करने के बाद तो मैं जो हूँ पूजा कर लूँगी और पूजा करने में मैं आजकल हनुमान चालीसा करती हूँ आजकल क्या काफ़ी टाइम से ही करती हूँ तो वो जो थे मेरा कभी बीच बीच में मिस हो जाती है क्योंकि यश कभी टाइम से पहले उठ जाता है तो इस वजह से पर अब मैंने रेगुलर नियम बना लिया टाइम से पहले उठ जाती हूँ मैं तो उससे क्या होता है पूजा भी हो जाती है और काम भी नहीं मट जाते और थोड़ा सा भी जैसे लेट हो जाता है ना उठने में तो हमारे सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है और आजकल इनको भी ना टाइम से पहले जाना पड़ता है सुबह के टाइम पे तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बस जल्दी से जल्दी हो जाए तो बस यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ के सच में मन इतना ज़्यादा जो है शांत हो जाता है बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ के तो हनुमान चालीसा जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए तो आजकल जो है मंदिर नहीं जा पाती हूँ मैं वरना मैं मंदिर पे जरूर जाती थी मंगलवार हो शनिवार हो लेकिन जब नहीं जा पाते हैं मंदिर तो घर पे ही कर लेते हैं क्योंकि होता है ना भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं वो ये नहीं देखते मंदिर आ रहे नहीं आ रहे घर के मंदिर में भी कर सकते ऐसा नहीं है तो पूजा का काम हो गया था उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर तो भिंडी बना रही थी मैं तो भिंडी ना मैंने पहले ही सुबह जो है से नहा के आई थी ना वॉश करने के वॉश करके रख दी थी सुखाने के लिए और ये जा रहे थे नहाने के लिए तो बस जैसे ही ये नहा के आए गए तो इतनी देर में जो है मेरे को कोशिश करनी है बस सारा काम जो है निपटा दूँ सब्जी का भी कर दूँ और रोटी पराठे जो भी खाए वो भी बना दूँ तो बस जल्दी से मैंने भिंडी काटी है और प्याज भी काट ली थी तो बस छोंक रही हूँ इसको और भिंडी तो सिंपल तरीके से ही छोकती हूँ प्याज डालती हूँ इसमें और जो मैंने वो डाली थी अजवैन और हींग सरसों के तेल में तो बस वैसे ही कर रही हूँ और जरा सी प्याज जो है थोड़ी सी है भिंडी भी ज़्यादा नहीं है लगभग एक पाव के करीब थी और थोड़ी सी इसमें ना खराब सी भी निकल गई थी तो बस जैसे यहाँ पे मेरी प्याज हो गई थोड़ी सी ब्राउन सी तो मैंने इसमें डाल दिए मसाले कुटा हुआ धनिया हल्दी नमक मिर्च थोड़ा सा अमचूर और इसको अच्छी तरीके से कर लूंगी मिक्स और मिक्स करने के बाद डाल दूंगी ये भिंडी और भिंडी की सब्ज़ी में ना फायदा ये रहता है बहुत जल्दी बन जाती है ज़्यादा टाइम नहीं लेती है तो बस थोड़ी देर इसको पकाऊंगी तीन चार मिनट तक इसको ऐसे ही पका लूँगी उसके बाद क्या होता है भिंडी आधी से ज़्यादा तो वैसे ही जैसे हम गैस भी बंद कर देते हैं ना तब भी भाप में भी पक जाती है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और भिंडी ना वैसे में इनको वैसी वाली पसंद आती है जैसे वैसे काट के बनाते हैं ना लंबी लंबी अलग अलग करके जैसे बनाते हैं वो इनको अच्छी लगती है पर उसमें क्या होता है ना टाइम बहुत लगता है तो बस यहाँ पे हो गया मेरा है मेरा नाश्ता निकाल दिया मैंने और मैं नाश्ते में ना आजकल दही ज़रूर लेती हूँ जब से थोड़ा मौसम सही हो गया सर्दियों में तो बंद कर रखी थी लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है कि दही ज़रूर लेनी है तो दूध तो नहीं पीती हूँ मैं लेकिन क्या है पनीर खा लिया दही खा लिया ये सब चीज़ें कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो सकता है और दही तो काफ़ी अच्छी लगती है अब आने वाले टाइम पे तो घर पे ही जमाऊँगी मैं दही तो बस यहाँ पे नाश्ते नाश्ते का काम सारा निमट गया था किचन क्लीन हो गई थी उसके बाद यहाँ पे ना कल शाम के जो कपड़े थे धुले हुए वो मैं लेकर आ गई थी और वो रात के टाइम ऐसे ही रख दिए थे मैंने एज़ इट इज़ तो बस उसी को जो है मैं समेट के रख रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे बरांडे में थोड़ा सा जो है कवर वगैरह इधर के उधर हो रखे थे सोफे के तो बस उन्हीं को सेट कर रही हूँ और आजकल तो बिल्कुल कटन करके रखते हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ आती है तो धूप में जो है और, और क्या होता है ना कि सर्दियों में हम लोग धूप के लिए तरसते हैं कि भाई धूप नहीं आ रही धूप नहीं आ रही और गर्मियों में तो हमें अच्छी नहीं लगती धूप और तब जहाँ से देखो वहाँ से धूप आती रहती है तो ये होता है तो बस यहाँ पे कवर वग़ैरह ठीक कर दिए मैंने उसके बाद फिर मैंने यश सो गया था थोड़ी देर बाद ना जब उठ गया था उसके एक डेढ़ घंटे तक वो खेला वगैरह इधर थक थक के फिर वो क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो है बीमार भी चल रहा है तो इस वजह से ना वो सो जाता है जल्दी दवाइयाँ भी ऐसी होती है ना बच्चों की तो नींद आ जाती है तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी झाड़ू कर दी थी और सारा काम निमट चुका है हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे हैं आप सब लोग तो अभी टाइम हो रहा है बारह बज चुके हैं दिन के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ मैं अभी थोड़ी देर मैंने सोचा चलो रेस्ट कर रही हूँ तो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और लास्ट ब्लॉग गया था उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा लास्ट ब्लॉग्स के बाद मैंने ना ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया था उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा करा मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया उसके बाद क्या हुआ कि यश की तबीयत खराब हो गई थी फिर से फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ गया तो वो वहीं का वहीं जो है एज़ इट इज़ ऐसी छोड़ दिया मैंने फिर आज सुबह से मैंने शुरू करा है कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि यश की क्या हो रही है आजकल बीच बीच में तबीयत खराब हो रही है वो ठीक हो जाता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक हो गया फिर दोबारा से ऐसी हो जाता है तो अब तो का, काफी टाइम हो गया उसको और उसके कान में जो एयर इन्फेक्शन है ना वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है तो बीच में अभी उन्हें बहुत रोना शुरू कर दिया था बहुत दिक्कत हो रही थी तो वो मेरे को लगा कि शायद पेट में दर्द ना हो क्योंकि क्या होता है एक तो बच्चों का ना कुछ पता नहीं चलता जो बोल नहीं पाते बच्चे उसमें हम अंदाजा लगाते रहते हैं तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाती हूँ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया उन्होंने बोला पेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर मैंने बोला कि एक बार इसको एयर इन्फेक्शन हो रखा खाए तो एक बार उनको दिखाया था तो उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि एक कान में तो इसका ठीक हो गया था पर एक कान में जो है वो थोड़ा सा है अभी उसके वजह से हो रही है दिक्कत तो बस फिर वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए और कल तो कोई कल भी इसकी तबीयत ख़राबी थी तो इसलिए फिर मैंने कुछ, कुछ कुछ नहीं करा क्योंकि मन भी नहीं करता जब बच्चा बीमार होता है बच्चा रो रहा हो और बच्चा बीमार हो तो अच्छा भी नहीं लगता है कि यार हम कैमरा लेके शूट कर रहे हो क्योंकि मन नहीं मानता ना क्योंकि सारा ध्यान वहीं पर रहता है तो बस और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों ने जैसे कि टाइटल में देख लिया होगा कि मेरा गूगल एडसेंस का पिन आ गया है तो दिखाती हूँ आप लोगों को तो देखिए ये है गूगल एडसेंस का मेरा पिन और सच में मेरे को बहुत खुशी हो रही है और आप सब लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और ये सब चीज़ें मतलब अभी चैनल मोनिटाइज हुआ उसके बाद फिर यो ना मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है यार कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं बहुत मेहनत करते हैं और जितने भी जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना सच में वो अपनी बिल्कुल जी जान लगा देते हैं वीडियो बनाने में और जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए लोग देखें उनको पसंद करें तो सच में आप लोगों ने मुझे भी बहुत सपोर्ट करा है तो मैं आप लोगों का बिल्कुल दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट आगे भी करना जिससे कि मेरे को और आगे जो है और सफलता मिले और आगे चढ़ूँ मैं और जो है अभी तो जो है ना ये बोलते हैं ना कि अभी तो सिर्फ जो है एक सीढ़ी चढ़ी है मैंने अभी तो पूरी सीढ़ी बाकी है लेकिन ये होता है ना कि स्टार्टिंग हो जाती है जैसे आपका चैनल वन हो गया पिन आ गया तो ये आपकी जो है स्टार्टिंग होती है तो जब एक बोलते हैं ना जब गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई है तो मंजिल तक भी पहुँच जाएगी तो बस वही है लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शुरू से जिस दिन डे वन से डे टू से जब से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करे तो तब से जो है तब से जुड़े हुए हैं तो वो तो मेरे को बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे नए नए भी जुड़ रहे हैं तो वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं तो ये जो सारी जो मेरी जो ये जो मेरी तरक्की हो रही है या जो भी मेरी जो सफलता है इसका जो है पूरा श्रेय मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ आप सब लोग मेरे को सपोर्ट ना करते मेरे वीडियोज़ ना देखते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती नहीं मैं वीडियो बनाती रहती आप लोग देखते ही ना तो बेकार रहता है लेकिन सब आप लोगों के वजह से ही हुआ है ये सब तो बस यही था और जैसे ही ये पिनाई अभी जो है ना मैंने इसको ओपन भी नहीं है देखिए इधर से जो है ये अभी तक जो है मैंने ओपन नहीं करा मैंने बोला सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी क्योंकि जिसके वजह से मुझे ये चीज़ मिली है तो सबसे पहले उनको बताना तो बनता है ना वो सब चीज़ें बाकी इसको खोल के इसको जो भी करना है आगे का जो प्रोसीजर है वो करूँगी मैं बाद में पर मैंने बोला कि नहीं मेरा मन नहीं माना जैसे ही आया बस मैंने बोला कि नहीं ये सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं तो देखिए आगे बहुत खुश हूँ मैं आज और बस ये खुशी जो है इसी तरह से जो है आगे भी मिलती रहे मुझे आप लोगों के वजह से तो चलिए करती हूँ फिर थोड़ी देर में आप लोगों से बात इनके खाने की तैयारी करती हूँ और मेरी खुशी खुशी में ना आज मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है और बस थोड़ा बहुत जितना भी हुआ ना उतना मैंने काम कर लिया मैंने बोला आज जो है वो होता है ना कि जब कोई चीज़ की खुशी मिल जाती है ना तो मन नहीं लगता ना किसी चीज़ में तो वही वाला हाल हो रहेगा बस पर जाके खाना बना लेती क्योंकि खाना भी खाना है वरना ये मेरे को बोलेगा कि तेरी खुशी के चक्कर में हम भूखे मर गए तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में और जाके बनाती हूँ खाना और यहाँ पर आगे हूँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी तो बैंगन का भरता बन रहा है आज तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी मैं तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है उसमें डाल दिया है जीरा और अदरक लहसन प्याज हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर दिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और बैंगन को ना मैंने भून के अच्छी तरह और छिलके ठंडा करके रख दिया है और जब ये हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले कुटा धनिया हल्दी नमक मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें टमाटर और टमाटर ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं काटती हूँ थोड़े से ना मोटे मोटे से ही काटती हूँ तो बस यहाँ पर फिर मैंने ढक दिया था हल्का सा पानी का छीटा दे दिया था तो जब टमाटर एटी हो गए थे तब मैंने इसमें डाल दिए जो बैंगन मेरे भुन के रखे हुए थे छिलके रखे थे वो डाल दिया और बैगन का भरता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बना भी बहुत टाइम बाद है बीच में क्या हो रहा था कि बैगन अच्छे आ ही नहीं रहे थे मैं सोच तो बहुत दिनों से रहती कि बैगन का भरता बनाऊंगी लेकिन जब भी देखने जा रही थी कि अच्छे नहीं आ रहे थे मुरझाई से आ रहे थे तो फिर कल मैंने देखा तो बहुत अच्छे बैगन मिल गए थे बिल्कुल ताजे ताजे लग रहे थे और जो ताज़ी सब्ज़ियाँ होती है ना उसका टेस्ट भी अलग आता है जैसे रखी हुई मुरझाई हुई सी होती है ना वो वो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो उसमें जितने अच्छे मसाले डाल दो उसमें टेस्ट नहीं आता है तो बैगन का भरता सच्ची में बहुत अच्छा बना था तो बस यहाँ पे बैगन का भुर्ता मेरा हो रहा था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था तो बस तब तक मैंने बोला चलो काम कर लेती हूँ तो ये स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे तो बस इसको मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी और उसको ना थोड़ी देर के लिए क्या होता है स्ट्रॉबेरी को थोड़ी देर के लिए रख दूंगी फ्रिज में और स्ट्रॉबेरी ना यश को बहुत अच्छी लगती है तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए स्ट्रॉबेरी तो बैगन का भरता मेरा हो गया था तो अब मैं कर लूँगी जल्दी से रोटी सेकने की तैयारी तो बस रोटी सीख जाएगी और इसके साथ ना एक दाल भी बनाई है क्योंकि आजकल ना हमारा खाना ऐसे ही रहता है जैसे दाल बनती है सब्ज़ी बनती है पहले क्या होता था जब तक ये शुगर वगैरह का चक्कर नहीं था तब तक तो जो मर्जी आए बनाया वो बना लिया कितनी बार सिर्फ दाल चावल बना लिए रोटी बनाई नहीं लेकिन अब रोटी जरूर खाते हैं चावल तो बनते बहुत कम है कभी इनको खाने होते हैं तब बन जाते हैं हम तो खाते ही नहीं है बहुत कम खाते हैं तो बस यहाँ पे रोटी सिक गई है और खाना निकाल दूंगी मैं और दाल भी मम्मी दाल तो मम्मी ने चौकी थी और दाल ना वो ये बनी है मूंग की दाल जो मूंग की छिलके वाली दाल होती है और मूंग की दाल ना पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन अब खा लेती हूँ क्योंकि अब ये हो गया है ना जब तक जो है रहता है ना पहले का टाइम ऐसा होता है शादी से पहले का है जब नई नई शादी होती है ये नहीं खाना वो नहीं खाना लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं ना तब ये सारे नखरे जो होते हैं ना ख़त्म हो जाते हैं तो बस दाल निकाल दी थी मूंग की दाल और अब अच्छी भी लगने लगी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है मूंग की छिलके वाली दाल तो सैलड बनाया था मैंने तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना तो मैंने अपनी प्लेट निकाल ली है यहाँ पे अपनी क्या मतलब हम दोनों एक ही प्लेट हम तीनों सॉरी एक ही प्लेट में खा लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी ये खा रहे और यश के साथ क्या होता है कि उसको एक जना देखता है फिर एक जना खाता है और आजकल जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना तो उसको भी लगता है कि वो भी खाना खाए तो बस वो भी क्या करता है स्पून लेके कोशिश करता है हम लोगों की तरह खाने की तो बस यहाँ पे मैं भी खा रही थी ये भी खा रहे थे और यश भी खा रहा था तो इस तरीके से क्या होता है ना थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है वरना क्या होता है पहले ये खाएंगे फिर ये इसको देखेंगे फिर मैं खाऊंगी तो टाइम इतना नहीं होता है और टाइम वेस्ट होता है फिर बहुत ज़्यादा तो एक साथ ये कहते हैं कि एक साथ ही खा लेते हैं तो बस यहाँ पे हम खा रहे थे खाना और मैं पूछ रही थी इनसे कि भरता कैसा बनाए तो इनके वजह से भी बनाया था मैंने भरता क्योंकि ये भी कल परसों कह रहे थे मुझे कि भरता खाने का मन कर रहा तो मैं पूछ रही थी कि कैसा बनाए तो इनको भरता बहुत अच्छा लगा इन्होंने दाल को छुआ भी नहीं वरना ये दाल ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन इनको बहुत अच्छा लगा भरता तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना